जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बगैर मसीफ ज़्यादा, मैं हूँ मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज हम लाहौर में वाकई एक फैक्ट्री में मौजूद हैं जहाँ पे दिन के टाइम तो प्लास्टिक बनाया जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है, तो उसके बाद कहते हैं यहाँ पे अमला एक तो काम नहीं करता, सेकेंडली यहाँ पे जो वर्कर कुछ चौकीदार रहते हैं उनकी जगह से कंप्लेंट आई है कि उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं और कुछ मशीनों का खुद से चलने की कंप्लेंट हमें यहाँ वसूल हुई है। तो आज हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और कुछ सवालात के जवाब मैं देना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि नजफ कहाँ है, वेयर इज़ नजफ। तो वो मैं आपको क्लियर करता चलूँ ऑन कैमरा कि नजफ फ़िलहाल शो का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह को एंकर हमारे साथ जल्द कोई ना कोई नेक्स्ट वीक्स में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये मैंने क्लियर किया ताकि काफ़ी लोगों के सवाल थे कि नजफ आपके साथ क्यों नहीं आ रही, तो वो अभी फ़िलहाल शो का हिस्सा नहीं है, तो अभी मैं इसलिए अकेला कर रहा था। तो इंशाल्लाह आगे को एंकर हमें ज्वाइन करेंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, ये फर्स्ट वो लोकेशन है और ये नाज़रीन नई बनी हुई फैक्ट्री है, ये नहीं है कि पुरानी है, और ये इसका कोई ऑफिस होगा आई थिंक। अच्छा, आगे अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काला कपड़ा है, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये ऑफिस है और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे वेटिंग एरिया और लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, और अगर मिट्टी की मैं बात करूँ, ये क्या है? ओ ओ ओ ओ अस्तग़फ़िरुल्लाह। आते ही नाज़रीन रीडिंग, अभी मैं आया हूँ। कौन है यहाँ पे? अल्लाह अकबर। ओ ओ ओ ओ नाज़रीन, ये कुर्सी के ऊपर अल्लाह अकबर। हॉल वाला कुछ हॉल वाला अस्तगफार। नाज़रीन आप ये रीडिंग देख रहे होंगे इस टाइम, ब्लास्ट पे है सीट के ऊपर, और इतनी ज़्यादा रीडिंग है कि आप सोच नहीं सकते। ये मैंने अभी नाज़रीन अगर EMF मैं दोबारा ऑन कर रहा हूँ, ये देखें आप, ये जैसे कोई कुर्सी पे कोई चीज़ बैठी है, ये आप देख सकते हैं, ये अल्लाह अकबर। ओ ओ तोबा, ये देख रहे हैं नाज़रीन, मैंने अपने हाथों से EMF छोड़ दिया है। कौन है यहाँ पे? कोई है इस कुर्सी पे? मौजूद है कोई? इस टाइम खामोशी है बहुत ज़्यादा, और क्या आप अपने होने का साज ला सकते हो? असल में EMF को अभी पिक कर, ये देखें पहली बात, यहाँ बिजली का नामो निशान नहीं है, इनकी जानिब से अभी कनेक्शन बंद हुआ है। तो यहाँ पे नाज़रीन अगर बिजली हो, मैं बात इसलिए बात आपको बता रहा हूँ कि वो कांस्टेंट रीडिंग आनी चाहिए। अभी देखें इस टेबल पे कुछ भी नहीं है, जैसे ही मैं इधर आ रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कोई एंटिटी कोई मखलूक यहाँ बैठी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये देखें अब नहीं है, ये देख सकते हैं आप नाज़रीन, अब वो जैसे वो चीज़ जो है वो मूव कर गई है। पहले यहाँ पे रीडिंग बहुत ज़्यादा थी, क्या दोबारा मेरे पास आ सकते हो? ये ओ ओ अल्लाह, अब देखें वो चीज़ वहाँ से मूव करके इस तरफ आ गई है और यहाँ पे अब ज़्यादा हो रही है, और अब यहाँ से मूव करके वो कहीं और गई है। अभी आप ये आप सामने देखें मेरे, अब मैं दोबारा उस जगह पे जाऊंगा और अब ये देखें ये अस्तगफुरल्लाह। लाहौल वाला कुत अस्तगफुरल्लाह। बहुत से मामला नाज़रीन यहाँ पे अब समझ से बाहर हैं।
कुछ कमरा है, कुछ छोटी सी स्टोर नुमा जगह है, ये आप देख सकते हैं नाइट विजन पे। लेकिन रीडिंग ऐसा सच उस तरह नहीं आ रही। अरे ये क्या है अजन? ये कोई इत्र की बोतल है और यहाँ पे यूज़ होती है या लगाते होंगे, लेकिन बहरहाल। और मैं इसकी आज कोशिश करता हूँ, एक रिस्क लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये जो मखलूक है ये इसको खुशबू से लगाव होता है, खुशबू पसंद है, तो मैं एक थोड़ा रिस्क लेता हूँ यहाँ पे। काफ़ी तेज़ इसकी खुशबू है, काफ़ी ज़्यादा। देखो ये खुशबू है जिसको तुम लोग पसंद करते हो, मैं तुम्हारी जगह पे आया हूँ कि आपने होने का साज दिला सकते हो, सामने आ सकते हो। देखो मैंने खुशबू को भी बाहर निकाल दिया है और तुम्हारी जगह पे मैं खुशबू लगा रहा हूँ। अगर तो तुम इस चीज़ को पसंद करते हो वाकई, तो अपने होने का साज मुझे दिलाओ रीडिंग के अलावा। अगर तुम इस कुर्सी पे मौजूद हो, अगर मेरे इर्द गिर्द मौजूद हो, तो मुझे नुकसान पहुंचाए बगैर होने का साज दिलाओ। इस कमरे में नाज़रीन खुशबू फैल चुकी है और आपको जैसे पता है इत्र की जो खुशबू होती है वो कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। देखो मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, होने का साज दिला सकते हो। मैं तुम्हारे अल्लाह अकबर तक पैर कौन है? मैं तुम्हारे अल्लाह अकबर तक पैर कौन है? ये हुआ ना अभी, इस तरह बकायदा हुआ है ये? नाज़रीन बकायदा मैंने यहाँ पे कहा, अचानक से मुझे सांस ही बंद हुई है मेरी। मैंने यहाँ पे खुशबू लगाई है नाज़रीन, मैंने यहाँ पे इस तरह इसको टच किया है, खुशबू लगाया है, और बकायदा विंडो जो है मुझे ऐसा लगा जिसने किसी ने पुश की हो। अगर क्या तुम यही थे, अगर तो तुम यही मखलूक थी, कुछ और अपने होने का एहसास दिलाओ। मैं अपने हाथ से खुशबू छोड़ रहा हूं। मैं नाज़रीन EMF को पकड़ता हूं। क्या अपने होने का एहसास दोबारा और दिला सकते हो? रीडिंग अब बंद हो गई है, रीडिंग बहुत ज़्यादा थी पहले, और खुशबू मैंने ओपन ही छोड़ी हुई है नाज़रीन, आप देख सकते हैं खुशबू जो है मैंने ओपन छोड़ दी है, ताकि यहाँ पे कोई भी मखलूक अगर है, ये देखें ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तुम हमारे पास ही हो, मुझे पता लग रहा है कि तुम हमारे पास हो। नाज़रीन खुशबू के बिल्कुल पास रेटिंग है, खुशबू के ऊपर रेटिंग है। अब एक काम करते हैं, वो फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और फिर इसको देखते हैं। आइए नाज़रीन, ये साथ ही इसके कुछ वॉशरूम का एरिया है, वो भी हम देखते हैं। ये
इधर ऐसा कोई रीडिंग नहीं है और एक उस तरह के मामला इधर नहीं है। काम करते हैं, उस फैक्ट्री में चलते हैं जो हमारी मेन लोकेशन थी। वहाँ की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा मामलात हैं, ब्रीडिंग का आना, इत्र का पड़ा होना, उसका मैंने इस्तेमाल किया, खुशबू का, जो वो चीज़ें पसंद करते हैं, उसके बाद वो प्रोवोक हुई है, चीज़ हुई है, थोड़ी बहुत रिएक्शन आया है। आइए नाज़रीन अंदर चलते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये फैक्ट्री का जो एरिया है, ये कुछ सामान यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूज़ होता है तैयार करने में, उनके आलात हैं, और यहाँ पे वो मशीन्स हैं जो कि अभी कहते हैं कि यूज़ नहीं हो रही। तो इसका लोकेशन भी देखते हैं। कामरान थोड़ा पीछे दिखाना, पूरा मुझे नजर आए, उस साइड पे दिखाओ। थोड़ा आगे जाना, मैं देख लूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ बिजली का नामो निशान नहीं है और मशीन्स भी बंद हैं। लोगों की कंप्लेंट ये है कि जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे सोते हैं, अगर थोड़ा सा हम ये दिखाएं, ये चारपाइयाँ यहाँ मौजूद हैं और उछलने की आवाज़ कोई है यहाँ पे? यहाँ पे नाज़रीन वो जो यहाँ के चौकीदार हैं वो सोया करते हैं, उनका सामान यहाँ पे है, बिस्तर वगैरह, सोने की जगह यहाँ मौजूद है। कौन है यहाँ पे? होने का साथ दिला सकते हो बगैर नुकसान पहुंचाए, बगैर? अच्छा, यहाँ रीडिंग नहीं है, बिल्कुल रीडिंग यहाँ पे मौजूद नहीं है ऐसी। ये थोड़ी सी यहाँ पे मुझे हैरान कुन बात लग रही है। और अभी आप देख सकते हैं कनेक्शन टूटे हुए हैं, बिजली यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे आप मशीन्स का भी देख सकते हैं मामला, यहाँ पे अजीब व गरीब हैं, मट्टी भी है उन पे, जैसे कि काम अब नहीं हो रहा, जैसे हमें ये सुनने को मिला था कि काम यहाँ पे नहीं हो रहा। कोई है? जिस तरह वहाँ पे अपने होने का साज दिला रहे थे, तो यहाँ पे दिला सकते हो? पीछे हो ना, उसके पांव लगे देख के। कुछ होने का साज दिलाओ, हम तुम्हारी जगह पे आए हैं, होने का साज दिलाओ। अच्छा, यहां भी रीडिंग ऐसा जो उससे वाले से नहीं है। देखो, हम क्या इस पर रीडिंग दे सकते हो, कोई मूवमेंट कर सकते हो, होने का साथ दिला सकते हो? नाज़रीन हमें याद है, हम फैक्ट्रीज में अक्सर जाते हैं, और एक फैक्ट्री मुझे याद है, वहाँ मशीन्स खुद चल गई थी, शायद आप लोगों को भी पता हो उस फैक्ट्री के बारे में।
और मुझे अभी तक याद है वो फैक्ट्री, वहाँ इतना खौफ था कि आप सोच नहीं सकते। तो ये सारे मामला, वो मुझे मंजर याद आ रहा है जो उस पर हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ यहाँ से मूव कर रही है, वो यहाँ से मूव कर गई है, या तो वो कमरे की तरफ है या तो वो इस टाइम यहाँ पे है ही नहीं, या अफवाह हो सकती है। लेकिन जो इसका स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे ये सिटिंग एरिया था, इसका ऑफिस एरिया था, काशिफ देख के पाँव लगा है तुम्हारा, देख के देख के चलो, देख के पीछे ना चीज़ें होंगी तुम्हारे। देखो मैं तुम्हारी जगह पे आया हूँ, उधर जिस तरह तुमने होने का साहस दिलाया, इधर दिला सकते हो? अरे कुछ हो नहीं रहा यार, मतलब कोशिश तो मेरी है, कुछ मामला तो ये रिकॉर्ड हुए। मेरा कैमरा मेरे ख्याल से ब्लर हुआ नजर, ये कुछ प्रॉपर मूवमेंट हुई है। कहां थे तुम? फॉर गॉड्स सेक, कौन है? प्रीव्यू, कौन है यहाँ पे? मुझे बकायदा फील हुआ जैसे कोई चीज आई है, बकायदा एंटर हुई है, बागी है। अच्छा नज़न, हैरान कुन बात यह है कि उधर जो अभी मूवमेंट हुई है वो बहुत मेरे लिए डाउटफुल है। मतलब हम लोग अभी इस तरफ थे, कैमरामैन भी उस तरफ था, वो बकायदा टोकरियाँ गिरी हैं और मुझे उसको समझ नहीं आई कि वो ना कोई चीज़ से गिर सकती, ना कोई जानवर था यहाँ पे, या ना कोई इस किस्म की हवा थी कि इतना ज़ोर से वो चीज़ गिरी है। सर आप देख सकते हैं प्लास्टिक पड़ा हुआ है, यहाँ पर बनाया जाता है और यहाँ पर कुछ सामान भी है, ये आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ होता है। कामरान कैमरा पीछे रखना है इस तरफ। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मुझे जो है यकीन जानिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन उस तरह कोशिश तो है लेकिन अजीब सी चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ सामने नहीं आना चाह रही। ये पूरी जो टोकरियाँ हैं गिरी हैं, रीडिंग उस तरह नहीं है जो अंदर ऑफिस में आ रही थी, ठीक है, ये आपके सामने हुआ है, लेकिन वो चीज़ हमसे दूर रहने की कोशिश कर रही है। एक तो जिससे मैंने पहले मुझे बकायदा ऐसे नजर ऐसे लगे जैसे नॉक होता है गेट को ना, और आपको सच ला और आपको सच ला ये बकायदा रिकॉर्ड हुआ है, ये बकायदा रिकॉर्ड हुआ है, हुआ ना ये नाज़रीन, ये नाइट विजन पे भी रिकॉर्ड हुआ है, काश कामरान के पास भी रिकॉर्ड हुआ होगा। ये मैंने क्या देखा है, ये बकायदा ये ब्लॉक खुला है और आप देख सकते हैं अंदर बिजली का नामो निशान नहीं है, बंद है मीटर और ये हवा से भी नहीं खुल सकता, पसीने हमारे चेहरे पे हैं। देखो हमसे शरारत ना करो, अगर तो तुमने सामने आना है तो ठीक है, अगर तुम यहाँ पे वाकतन हो और हो भी, लेकिन इस तरह शरारत करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम तुम्हें जानने आए हैं, देखने आए हैं, अगर इस फैक्ट्री में तो तुम हो तो क्यों हो ये जानने आए हैं। जैसे अंदर ऑफिस के अंदर तुम्हारी मौजूदगी का एहसास ज्यादा है, इधर भी दिलाओ हमें। नाज़रीन देखें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखें मैं हर लिमिट में रह के चीज़ों को देख रहा हूँ, लेकिन फिलहाल वो चीज़ उस तरह सामने नहीं आना चाह रही। आगे चलते हैं, मैं देखते हैं।
क्योंकि नाज़रीन आप लोगों की जानिब से बार बार होता है कि आप इस लोकेशन में देखें, हर लोकेशन की अपनी एक कहानी होती है, वहाँ पे हर लोकेशन में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमें उस अंदाज से मिले। इस लोकेशन पे जो इसका वेटिंग एरिया है, जो इसका ऑफिस रूम है, वहाँ पे ज़्यादा मुझे रेटिंग्स मिल रही हैं, वहाँ पे मुझे ज़्यादा हैपनिंग का मुझे देखना पड़ा है। लेकिन जहाँ पे काम हो रहा है इधर अस्तग़फ़िरुल्लाह, ओ माय गॉडनेस, यहाँ पे किधर वो आपके पीछे अस्तग़फ़िरुल्लाह, ओ माय गॉडनेस, यहाँ पे ये वही जगह है ना सामने जी, वही है। देखो ये दो तीन बार तुमने अपने होने के साथ मुझे दिलाए हैं, इसके अलावा दिला सकते हो? जानवर की शक्ल में आ जाओ, चलो हम तुम्हें जानवर की शक्ल में देखना चाहते हैं, आ सकते हो? नहीं, एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर मैं कैमरा लगाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे कैमरा लगा रहा हूँ थोड़ी देर, और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और मामला होते हैं या नहीं। इसको मैंने रिकॉर्डिंग पे छोड़ दिया है। उफ़ुल्लाह, गुडनेस, शिट, यार वो लगे प्रॉपर मुझे ब्लॉक लगा है वो। उस चीज़ का रिएक्शन आया नाज़िम, और हो सकता है वो मैंने जो रिस्क लिया वो खुशबू लगाने का, खुशबू खोल कर मैं वहाँ आ चुका हूँ आपके सामने, और अभी वो मुझे मशीन का जो पीछे कवर है वो लगा बहुत ज़ोर से, और वहाँ पे मामला अजीब हैं क्योंकि वो चीज़ हो रही है लेकिन हमसे दूर हो गए। वो जो सामने पीछे दिखाना कामरान, वो जो एरिया जहाँ कैमरा, ये क्या हुआ है? फिर आवाज़ आई है, और वो शरारती चीज़ है जो मैंने नोट किया है, ज़्यादा मकदार में नहीं है, ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो शरारती चीज़ है, छोटी उम्र की चीज़ है, शरारत करती है और चली जाती है। मुझे जहाँ तक मैंने इस जगह को नोट किया जैसे छलेटे हों, हमने वहाँ कैमरा लगाए हुए, दोबारा थोड़ा उस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या मामला हो सकता है। कैमरा उधर लगा हुआ है, कमरा में कैमरा लगा हुआ, उसको छोड़ दो। अच्छा, अभी तक नाज़रीन यहाँ कुछ ऐसा मामला उस तरह नहीं हुआ कि मशीन्स को चल गई हों या कुछ ऐसे मामला शुरू हो गए हों, उस नौयत का मामला अभी नहीं हुए हमारे साथ। हाँ, कुछ अपने जो माइनर सी, जो अमूमन हमारी चीज़ों में देखा जाता है कि हम वो चीज़ों का होने का साज देखते हैं अमूमन लोकेशन में, कि कभी हल्की सी चीज़ उसने कर दी, बल्ब हिला, उसके बाद वो उससे पहले टोकरी प्रॉपर गिरी, तो ये चीज़ें इधर हुई हैं। लेकिन
उस ऑफिस में छोटी सी जगह है, वहाँ रहते हुए इतना कुछ होने के जो वो मुझे ज़्यादा फील हुआ कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं। कोई है यहाँ पे? बहुत खामोशी है और खामोशी इंतहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खामोशी है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, रिस्पॉन्स नहीं दे रही मुझे। मैंने सोचा था कि ज़्यादा होगा मामला यहाँ पे जिस तरह बताया गया था, लेकिन उस तरह ये क्या हो रहा है, मुझे उस तरह के मामला नहीं मिला यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मसले हों जो मैं सोच कर आया था। मैं ये समझ रहा था शायद यहाँ पे टिकना रुकना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन वो मामला यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हर जगह की अपनी कहानी होती है, अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन हाँ मामला हैं इधर बहुत ज़्यादा हैं। हो सकते हैं हमारे इस दौरानिया वो जो चीज़ है वो यहाँ से मूव कर गई हो, या उधर मैं जाना चाहूँगा जहाँ पे ऑफिस था, और वो ऑफिस वाला एरिया काफ़ी इस चीज़ में मुझे श्योरिटी हुई है कि वो चीज़ जो है उसका मस्कन वहाँ पे ज़्यादा है इस टाइम। ये कौन है, कौन है यहाँ पे? देख सकते हैं बिजली का नामो निशान इधर नहीं है ना। कौन है? अच्छा नाज़रीन, वो हम उस कमरे की जानिब चलते हैं दोबारा, और वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ पे मामला किस तरह है, उसी तरह है या ज़्यादा हो गए या कम हो गए। और इस जगह को हम अभी छोड़ रहे हैं, हमने यहाँ कैमरा भी लगाया, बाकी चीज़ें भी की, लेकिन हमें कुछ फ़िलहाल यहाँ पर नहीं मिला, और देखते हैं कि क्या ऐसे मामला इधर है या नहीं। आइए चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, वो आगे देखते हैं, और इधर जो नाज़रीन मामला है ना, ये हमारी जो हमने ये देखा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा यार, ये क्या है बेसिकली, ये रीडिंग और ये कमरा, ये खुशबू हमने जो यहाँ छोड़ के गए वो वैसे की वैसे है। देखो मैं तुम्हारी जगह पे आया हूँ दोबारा, फैक्ट्री के अंदर तुमने अपने होने का साहस उस तरह नहीं दिखाया जिस तरह यहाँ दिखा रहे हो। क्या मुझे दोबारा अपने होने का साहस ला सकते हो, मुझे बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर छू सकते हो किसी चीज को? ये खुशबू जो है मैंने दोबारा यहाँ पे रखी हुई है उस वक्त से, और मैं यहाँ पे खुशबू को सूंघ पा रहा हूँ कि यहाँ पे खुशबू अभी तक है। क्या ऐसा है कि तुम यहाँ पे ही हो अभी तक? हमने ये सुना था कि तुम फैक्ट्री के अंदर होते हो, लेकिन वहां पे उस तरह तुमने अपने होने का साज नहीं दिलाया। मीटर पे रीडिंग दे सकते हो दोबारा? अभी देखें सब कुछ खामोश हो गया है अभी, और मुझे भी समझ नहीं आ रही। मैं देखें पूरी जो लोकेशन है ना वो मैंने अपनी ख़त्म कर दी है, जितनी ज़्यादा मैं लोकेशन कर सकता था मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। तो अभी आपके सामने थी लोकेशन,
यहाँ पे दो से तीन चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ, वही बात आती है कि देखने वाला जो है वो ये बात सोचता है कि यार हर जगह की अपनी कहानी होती है, तो ये बात सच है, हर जगह की अपनी कहानी होती है, ठीक है। यहाँ पे इधर आपके सामने मैंने जो जो मैं कोशिश कर सकता था उस चीज़ को प्रोवोक करने के लिए वो मैंने की, इवन कि मैंने खुशबू का रिस्क लिया, खुशबू को ये पसंद करती है मखलूक, मैं उस जगह पे आकर बैठ गया हूँ, मैं उसी से खौफ नहीं खाया, मैं भाग नहीं रहा यहाँ से, मैंने एंड तक गया फैक्ट्री के एक कॉर्नर, मैंने इन्वेस्टिगेशन की, तो सब चीज़ें आपके सामने थी। तो उम्मीद है आज के एपिसोड भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके इलम में भी ऐसी कोई जगह है जो आप सब समझते हैं कि आपने अगर सुना हो उसके बारे में कि वो हॉन्टेड है या हो सकती है हॉन्टेड, तो हमें उसके बारे में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। आपके इलम में कोई भी लोकेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मामलात ये आपके सामने ही हैं। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़रूकी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।